नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल माई सरकारी न्यूज पे। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर रही है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इंडिया का जो दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच था वो यहाँ पे अपनी पारी इंडिया ने खेल लिया है, और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के इंडिया ने यहाँ पे टोटल कितने रन बनाए हैं। और यहाँ पे हनुमा विहारी ने एक इतिहास रच दिया और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, शतक से भी ऊपर रन बनाए हैं, अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हो। हाँ, उसके साथ साथ एक चीज बताना भूल गया मैं कि जो जसप्रीत बुमराह है उसने यहाँ पे हैट्रिक लगा के और दोस्तों 6 विकेट झटक दिए हैं वेस्ट इंडीज के पहले ही दिन। तो यार पूरी खबर क्या है जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मगर दोस्तों वीडियो बनने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना, ऐसी न्यूज़ देखना सबसे पहले, तो फटाफट यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे आपको रेड कलर में लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाइए, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आता है, उसको जरूर आपको दबा लेना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए। अगर आप जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हो, महान बॉलर मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और आप हनुमा विहारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो चलिए गाइस इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो चलेगा सब लोग बात करने वाले थे यहाँ पे कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो दोस्तों सीरीज चल रही थी वो लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है, बस यहाँ पे सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है, जिसका दोस्तों यहाँ पे सेकंड दिन में क्या हुआ आपको बताऊंगा पूरा हाल। तो बने रही हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंडिया ने बैटिंग की थी, तो यहाँ पे बैटिंग करते हुए इंडिया ने टॉस जीतने बैटिंग की। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले बैटिंग के नए केएल राहुल, दोस्तों यहाँ पे केएल राहुल कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और यहाँ पे महज 13 रन बनाकर आउट हो गए 26 बॉल में, जो कि दोस्तों 50 की स्ट्राइक रेट के साथ। इसमें दोस्तों यहाँ पे छक्का एक भी नहीं मारा है, चौका बस यहाँ पे 2 लगाए इसने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बैटिंग करने थे इनका साथ देने के लिए मयंक अग्रवाल, उनने यहाँ पे थोड़ा कमाल कर दिया है और यहाँ पे महज 127 बॉल में 55 रन, यही दोस्तों अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है 7 चौके की मदद से 43 की स्ट्राइक रेट के साथ। और दोस्तों यहाँ पे दोनों आउट हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा आए बैटिंग करने, यार उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मगर वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए और महज 25 बॉल में 6 रन पर आउट होके पवेलियन लौट गए। और उसके बाद यार विराट कोहली दोस्तों कप्तान है इंडियन क्रिकेट टीम के, वो बैटिंग करने तो उनने कमाल कर दिया और वो शतक से बस चूक गए यार। यहाँ पे दोस्तों विराट कोहली ने यहाँ पे 163 बॉल लेकर 76 रन ठोक दिए, जिसमें दोस्तों 10 चौके शामिल हैं, वो भी दोस्तों यहाँ पे 40 की स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद यहाँ पे बैटिंग करने रहाणे अजिंक्य रहाणे, उनने यहाँ पे 55 बॉल में 24 रन पर आउट होकर वो चले गए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बैटिंग करने थे हनुमा विहारी, इनके बारे में बात करने वाले थे विशेष तौर पर इस वीडियो में। तो हनुमा विहारी ने यहाँ पे महज 225 बॉल लेकर और 111 रन ठोक दिए हैं, इस सीजन का पहला शतक पूरा कर लिया है हनुमा विहारी ने। और दोस्तों ये कारनामे इन्हें किया है यहाँ पे 72 की स्ट्राइक रेट के साथ, इसमें यहाँ पे 16 चौके शामिल हैं, 1 छक्का शामिल है। इसके बाद यहाँ पे पंत आए थे बैटिंग करने यार दोस्तों, मगर पंत कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, जो दोस्तों आपको पता है सभी को कि पंत छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, तो ऐसा भी इस मैच में देखने को मिला था। यहाँ पे ऋषभ पंत ने 64 बॉल खेलकर यहाँ पे 27 रन बनाए, जिसमें दोस्तों 1 छक्का शामिल है बहुत ही लंबा। इस पूरे मैच में छक्का देखने को नहीं मिला था मगर दोस्तों यहाँ पे ऋषभ पंत के द्वारा छक्का लगाया गया था। इसके बाद यहाँ पे 2 चौके शामिल है 42 की स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ईशांत शर्मा ने थोड़ा इंडिया का साथ दिया और 57 रन की पारी खेली, नावात पारी खेली। ऐसे करके यहाँ पे टोटल इंडिया के दोस्तों सेकंड दिन सभी विकेट गिर गए और 416 रन हो चुके थे तब तक इंडिया के। अब दोस्तों यहाँ पे वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए चाहिए थे 417 रन, फिर यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम उतरी खेलने के लिए, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने यार 6 विकेट झटक दिए एक ही दिन में वेस्ट इंडीज की टीम के। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद शमी ने 1 विकेट दिया है, टोटल मिला के यहाँ पे वेस्ट इंडीज टीम के 87 रन पर 7 विकेट हो चुके हैं 33 ओवर में। तो आप नीचे कमेंट में जरूर से बताना यार, क्या वेस्ट इंडीज की टीम इस वाले मैच को जीत सकती है टेस्ट को, ये तो सेकंड टेस्ट है, ठीक है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी चाहते हो कि 6 विकेट कैसे कैसे लिए और मोहम्मद शमी ने यहाँ पे 1 विकेट कैसे लिया, रिकॉर्ड कैसे बनाया, हैट्रिक कैसे लगाई जसप्रीत बुमराह ने, तो आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर से बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा किसी वीडियो के माध्यम से, नेक्स्ट वीडियो जरूर अपलोड करूंगा जसप्रीत बुमराह के ऊपर। तो आप नीचे कमेंट में जरूर से बताना अगर आपको वीडियो देखनी हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक क्लिप अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।